नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Google Pixel 9 versus Honor 200 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Google Pixel 9 में 6.02 इंच जबकि 200 Pro में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Google Pixel 9 में 2.83 इंच जबकि 200 Pro में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Google Pixel 9 में 198 ग्राम्स जबकि 200 Pro में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Google Pixel 9 में 6.3 इंचेस जबकि 200 Pro में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Google Pixel 9 में 1080x2424px FHD+ और 200 Pro में 1224x2700px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Google Pixel 9 में 87.1% जबकि 200 Pro में 90.38% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Google Pixel 9 में 421 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 200 Pro में 437 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Google Pixel 9 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 200 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Google Pixel 9 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 200 Pro की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Google Pixel 9 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 200 Pro में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Google Pixel 9 में Mali-G715MP7 जबकि 200 Pro में Adreno 735 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Google Pixel 9 में Google Tensor G4 और 200 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Google Pixel 9 में 256GB जबकि 200 Pro में 512GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Google Pixel 9 में 4700 mAh जबकि 200 Pro में 5200 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Google Pixel 9 में 4 कलर्स जबकि 200 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Google Pixel 9 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 79,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें 200 Pro की तो वो 12GB RAM 512GB स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Google Pixel 9 में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Honor 200 Pro 5G की तो उसमें 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गूगल पिक्सल 9 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S24 5G है, दूसरा गूगल पिक्सल 8a 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी 14 अल्ट्रा जी है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।